तो भाई सबसे पहले आप यहाँ पे प्रूफ देख लो। सबसे पहले आपने यूट्यूब को ओपन करना है, सिंपल से यहाँ पे स्ट्रीट फूड सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पे स्ट्रीट फूड सर्च करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे शॉर्ट्स की कैटेगरी देख लो, 7 लाख के व्यूज़ गए हुए, 5.5 लाख के जहाँ पे व्यूज़ गए हुए, इसके अलावा 6 लाख के व्यूज़ गए हुए, 19 लाख के भी जहाँ पे व्यूज़ गए हुए, 60K के जहाँ पे व्यूज़ गए हुए हैं, 31 लाख के भी व्यूज़ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जहाँ पे वीडियोज़ पे देख लो कितने अच्छे अच्छे जहाँ पे व्यूज़ आ रहे हैं, देख सकते हो 14 आवर्स पहले जहाँ पे वीडियो अपलोड की हुई है 5.6K के व्यूज़ देखने को मिलेंगे, 12 मिनट पहले जहाँ पे वीडियो अपलोड करी हुई है 264 व्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देख सकते हो कितनी वायरल स्टार्ट दिया। इस स्ट्रेटजी के ऊपर आप जहाँ पे वर्क करके अपने चैनल को जहाँ पे 100% मोनेटाइज कर सकते हो जीरो इन्वेस्टमेंट से। तो वैसे आज की वीडियो में आपको जहाँ पे बताऊंगा कैसे आप जहाँ पे स्ट्रीट फूड का अपना चैनल जहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अपने चैनल को क्रिएट करना है, वहाँ पे स्ट्रीट फूड की वीडियोस आपने यहाँ पे अपलोड करनी, जो कि आप सिंपल से अपने मोबाइल फोन से जहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। अपने नियर वाइज जो भी स्ट्रीट फूड होंगे उनको आप यहाँ पे रिकॉर्ड करके स्टार्टअप कर सकते हो। जीरो इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी, किसी टाइप की कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके जहाँ पे नहीं लगेगी। 100% आपका जहाँ पे चैनल फर्स्ट डे से जहाँ पे वायरल होगा, कैसे वायरल होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में जहाँ पे बताऊंगा। क्या फुल प्रोसेस रहेगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच आउट कर लेना। स्वागत है आपका लव्वी शर्मा चैनल की एक और नई वीडियो पे। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने मैं शॉर्ट टर्म के लूट ऑफ पर निकल के आते हैं उनकी वीडियो करें नहीं होती, उनका डायरेक्ट लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। तो अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन किया होगा वहाँ से भी आपकी अर्निंग होगी। तो गाइस सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क करने के लिए जो आपका जहाँ पे फर्स्ट स्टेप रहेगा, सबसे पहले आपको जहाँ पे यूट्यूब का चैनल क्रिएट करना है। और जब भी आप जहाँ पे चैनल क्रिएट करो, जो भी आपका चैनल का नेम होगा वो यूनिक नेम जहाँ पे होना चाहिए। जैसे अगर आप जहाँ पे स्ट्रीट फूड के रिलेटेड जहाँ पे चैनल क्रिएट कर रहे हो तो फूडी रिलेटेड आपने यहाँ पे कुछ नेम रखना। जैसे आपका जहाँ पे चैनल का नेम रख लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपके नियर बाई जहाँ पे स्ट्रीट फूड्स होंगे, जैसे नियर बाई जितने भी शॉप्स होंगे, स्टॉल्स होंगे, कोई भी स्ट्रीट फूड आपको जहाँ पे देखने को मिलेगा वहाँ पे आपने जाना है और वहाँ पे आपने वीडियो को शूट करना है, जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से जहाँ पे वीडियो बना सकते हो। आप जहाँ पे गांव से बिलोंग करते हो, सिटी से बिलोंग करते हो, कहीं से बिलोंग करते हो, वहाँ पे 100% आपको जहाँ पे स्ट्रीट फूड देखने को मिलेगा। अगर आप जहाँ पे एक स्ट्रीट फूड को जहाँ पे विजिट करोगे, एक शॉप या एक स्टॉल को जहाँ पे विजिट करोगे, वहाँ पे अगर आप जहाँ पे 10 मिनट की जहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हो, जैसे 10 वीडियो की वीडियो को जहाँ पे शूट आउट कर लेते हो, उसमें से आपके जहाँ पे 5-6 शॉर्ट्स निकल जाएंगे, शॉर्ट वीडियो निकल जाएंगी, जो आप घर में आकर एडिट करके उनको अपलोड कर सकते हो। उसके बाद 1-2 आपकी लॉन्ग वीडियो वहाँ से बन जाएगी। तो आपने क्या करना है, अगर आप एक दिन में अगर एक विजिट जहाँ पे कंप्लीट कर रहे हो तो आपको जहाँ पे 5-6 तो ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियोस उसमें से मिल जाएंगे, जिनको आप एडिट करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हो। 1-2 लॉन्ग वीडियो आप अपलोड कर सकते हो, तो जहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा। जैसे आपको जहाँ पे कंटेंट मिलेगा, थोड़ी बहुत उसमें आपको एडिटिंग करनी, एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है। और जैसे आप एडिटिंग करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड करोगे, ये काफ़ी वायरल स्ट्रेटजी है। आज के टाइम में हर एक जहाँ पे व्यूअर्स जितने भी यूट्यूब की ऑडियंस है, मैक्सिमम 100% ऑडियंस ऐसी है कि वो अपने डेली बेसिस पे जहाँ पे स्ट्रीट फूड सर्च करती है। और जैसे वो जहाँ पे स्ट्रीट फूड सर्च करोगे, आपकी वीडियोज़ भी उनको जहाँ पे शो करी जाएंगी, उनके ऊपर व्यूज़ आएंगे। जैसे ही आपको व्यूज़ आएंगे, आपको जहाँ पे सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे। और जैसे ही आपको जहाँ पे सब्सक्राइबर और व्यूज़ यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपने नियर बाई जहाँ पे स्ट्रीट फूड कवर अप करके आप थोड़ा आगे पीछे जहाँ पे जा सकते हो, जो भी आपकी नियर बाई सिटी होगी वहाँ पे जाके स्ट्रीट फूड को कवर कर सकते हो। इसमें आपकी किसी टाइप की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना ही आपने स्ट्रीट फूड वाले को कोई पैसा जहाँ पे करना है कि उसको वीडियो क्रिएट करने के लिए, उनको भी यहाँ पे 100% जहाँ पे प्रॉफिट होता है। क्योंकि अगर उनका स्ट्रीट फूड आप कवर अप करोगे, अपने वीडियोज़ में डालोगे, तो उनको और ज़्यादा कस्टमर जहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क करके अपने चैनल को जहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हो। जैसे आपका जहाँ पे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपको जहाँ पे यूट्यूब के थ्रू जहाँ पे इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आपको जहाँ पे स्पॉन्सर भी मिलना जहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, पेड प्रमोशन में भी आप अपने चैनल के ऊपर कर सकते हो। काफ़ी वेज है जहाँ पे यूट्यूब की अर्निंग है, आप उन सभी वेज के थ्रू जहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। और जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपको इनकम जहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी स्टेट को छोड़ के बाकी स्टेट्स का भी यहाँ पे स्ट्रीट फूड को कवर अप करके, फिर आप कैमरा वगैरह जहाँ पे परचेज करके और अच्छे वे से आप जहाँ पे वीडियोज़ को शूट आउट करके स्ट्रीट फूड के ऊपर चैनल क्रिएट करके अच्छे खासी जहाँ से अर्निंग कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ, आप मैक्सिमम मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो यहाँ पे इंडिया से है, तो इंडिया में यहाँ पे स्ट्रीट फूड के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस यहाँ पे डेली बेसिस पे शूट आउट होती हैं और काफ़ी ज़्यादा इसकी ऑडियंस है यूट्यूब पे ऑलरेडी, जो यहाँ पे स्ट्रीट फूड देखना यहाँ पे पसंद करती है। तो आप इस कैटेगरी के ऊपर यहाँ पे वर्क करते हो तो आपको 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। थोड़ा सा टाइम आपको जहाँ पे देना पड़ेगा, आपका चैनल 100% यहाँ पे मोनेटाइज हो जाएगा और आप लाइफ टाइम यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी हो, आप जहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, दोनों के लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हुई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।